it is a course one book of english literature this is the first lesson of second unit after abad as i have taught you this lesson again but on account of your class test i am reciting this poem again so open your page number 23 after abad आफ्टर आफ्टर मिस होता है बाद में अब बाद बात यानी के नहाना नहाने के बाद दिस पोइम इज रिटेन बाय एलिन फिशर सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोईम आफ्टर माई बात आफ्टर माई बात आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई 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 ये बच्चा कहता है आफ्टर माई बात मेरे नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ टू वाइप माई सेल्फ यानी खुद को पूछने की टिल आई एम ड्राई 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 जब तक कि मैं सूख ना जाऊँ तब तक मैं कोशिश करते ही रहता हूँ अपने आप को पूछते ही रहता हूँ हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज अपने हाथों को पोसता हूँ अपनी उंगलियों को पोसता हूँ एंड टोज टोज यानी कि पैर के उंगलियों को पोसता हूँ एंड टू वेट्स लेग्स एंड अ शाइनी नोज और अपने गीले दो पैरों को पोसता हूँ एंड अ शाइनी नोज शाइनी नोज का मतलब होता है चमकीली नाक उसकी उसकी नाक कैसी है उसका उसके नाक का कंडीशन कैसा होता है शाइनी रहता है क्यों शाइनी रहता है क्योंकि उसमें पानी के कुछ बूंदे ड्रॉप्स रहती हैं जिसकी वजह से उसका नाक चमकने लगता है तो इसलिए बच्चा कहता है कि मैं अपने पैरों को पोसता हूँ और अपनी चमकीली नाक को पोसता हूँ जस्ट थिंग हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक इफ़ आई वॉर डॉग एंड कुछ शेक 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 ये बच्चा सोचता है कि काश अगर मैं क्या होता अगर मैं कुत्ता होता तो मैं क्या करता अपने आप को शेक करता हिलाता शेक करते करते मैं क्या हो जाता पूरी तरह से सूख जाता आप लोग डॉगी को देखे होंगे कि कभी डॉगी अगर गीला रहता है तो वो किस तरह से अपने आप को ड्राई करता है वो शेक करता है अपनी बॉडी को और शेक करने के बाद वो क्या हो जाता है ड्राई हो जाता है तो ये बच्चा वही सोचता है यही बात सोचता है कि काश अगर वो कुत्ता होता तो उसको कितना कम समय लगता अपने आप को सुखाने में बात बाद में होता है नहाना आफ्टर मिस होता है के बाद मेरे नहाने के बाद आई ट्राई ट्राई मिस होता है कोशिश करना टू वाइप वाइप मिस होता है पोछना माई सेल्फ खुद को तब ड्राई मिस होता है सूखा हैंड्स टू वाइप हाथ हाथ को पोछना वाइप मिस होता है पूछना फिंगर्स यानी कि उंगलियाँ टोस यानी कि पैर की उंगलियाँ को कहते हैं लेग्स यानी कि पैर वेट वेट मिस होता है गीले पैर शाइनी शाइनी में सोता है चमकीला जस्ट थिंग सोचना हाउ मच कितना समय कम समय लेस यानी कि कम वक्त आई टी टेक इफ आई वॉर आर डॉग अगर मैं क्या होता अगर मैं कुत्ता होता शेक मिस होता है हिलाना दिस पोइम इज रिटन बाई एलिन फिशर ये पोइम किसकी लिखी हुई है एलिन फिशर की लिखी हुई है इसके एक्सरसाइज को एक बार रिसाइट कर लेते हैं हम लोग ए नंबर रीड एन आंसर सर्कल द करेक्ट आंसर सर्कल करना है जो करेक्ट आंसर है उसको क्या करना है सर्कल करना है ए नंबर में क्या कह रहा है द चाइल्ड हैज़ जस्ट हैड लंच और बात बच्चे ने अभी तुरंत क्या किया है दोपहर का खाना खाया है या तो फिर नहाया है इस पोएम में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि आफ्टर द चाइल्ड हैड द चाइल्ड है जस्ट द चाइल्ड हैज हैड अ बाथ ये बच्चा अभी अभी क्या किया है नहाया है सेकेंड वाला आंसर क्या है करेक्ट है सो सर्कल द करेक्ट आंसर यहाँ कह रहा है कि सर्कल करना है नंबर बी द चाइल्ड ट्राइज टू वाइप हिमसेल्फ वॉश इज़ हेयर चाइल्ड ट्राइज टू बच्चा कोशिश करता है क्या करने की कोशिश करता है बच्चा वाइप हिमसेल्फ खुद को पोछने की वॉश इज हेयर अपने बालों को धोने की इस पोई में क्या पढ़े हम लोग कि बच्चा कोशिश करता है अपने आप को क्या करने की वाइप करने की अपने आप को पूछने की First of all answer correct A. the child tries to wipe himself. So circle the correct answer. Number C The child has to wipe his legs, fingers, toes, and the first option is nose, the second is neck. बच्चे अपने बच्चा क्या करता है अपने पैरों को पोसता है फिंगर्स उंगलियों को पोसता है टोज पैर की उंगलियों को पोसता है और किसको पोसता है नोज़ में सोता है नाक नेक में सोता है गर्दन तो बच्चा क्या किसको किसको पोसता है पहले पहले अपने पैरों को पैरों को पोसता है उंगलियों को पैर की उंगलियों को और किसको पोसता है नाक को एंड द शाइनी नोज द फर्स्ट वन इज करेक्ट सो सो सर्कल द फर्स्ट वन नंबर डी द चाइल्ड स्नोज इज शाइनी बिकॉज बच्चे के बच्चे का जो नाक है वो क्या है चमकीला है क्यों चमकीला है क्योंकि इट इज स्टिल विथ क्योंकि अब तक उसका नाक क्या है भी, गीला है भीगा हुआ है इट इज़ डी उसका नाक गंदा है दोनों में से क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है इट इज़ स्टिल वेट इसका नाक अभी तक गीला है डी नंबर द चाइल्ड नोस इज शाइनी बच्चे बच्चा का जो नाक है वो चमकीला इसलिए है क्योंकि वो अभी तक गीला है फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट सो राइट हीयर इट इज स्टिल वेट इस पोएम के बाद कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उस वर्ड मीनिंग को आप लोग को याद कर लेना है वाइप मेक समथिंग ड्राई विथ क्लॉथ किसी चीज़ को सुखाना कपड़े के साथ टोज The five parts at the end of your foot. पैर के आखिरी पांच हिस्से शाइनी शाइनी में सोता है ब्राइट यानी कि चमकीला एक्सरसाइज बी थिंक and आंसर टू नंबर डू यू थिंक द चाइल्ड नोज हाउ टू वाइप हिमसेल्फ ड्राई डू यू थिंक क्या आपको लगता है कि बच्चे को पता है हाउ टू wipe हिमसेल्फ ड्राई यानी कि खुद को वो किस तरह से सुखाए पोछे यस द चाइल्ड नोज हाउ टू wipe हिमसेल्फ हाँ बच्चा जानता है कि किस तरह खुद को पोछ के सुखाना है थ्री नंबर हाउ डज़ द चाइल्ड वॉन्ट टू गेट ड्राई बच्चा किस तरह से खुद को सुखा करना चाहता है हाउ डज द चाइल्ड वांट टू गेट ड्राई बच्चा किस तरह से अपने आप को सुखाना चाहता है द चाइल्ड वांटेड टू गेट ड्राई लाइक डॉग बच्चा अपने आप को कुत्ते के जैसे सुखाना चाहता है एक्टिविटी लुक एट द पिक्चर्स मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स ड्रो लाइन्स टू डू सो इस तस्वीर को देखिए और वर्ड को यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं उस वर्ड को उस पिक्चर्स के साथ आपको मैच करना है और लाइन ड्रो लाइंस इस तरह से आप कैसे करेंगे लाइन के ज़रिया मैच करने के लिए यहाँ कुछ लाइन दिए गए हैं उस लाइन में ब्लैंक दिए गए हैं उसको आपको फील करना है तो फर्स्ट वाला पहला वर्ड क्या है रब क्लीन वाइप वाश पॉलिश एंड शेक आर रब में से होता है रगड़ना क्लीन क्लीन में साफ करना वाइप वाइप में से होता है पोछना वाश वाश में से होता है धोना पॉलिश पॉलिश में से होता है चमकाना शेक शेक में होता है हिलाना तो फर्स्ट वाला जो पिक्चर है और जो वर्ड यहाँ पे कुछ दिए गए हैं तो फर्स्ट वाला जो पिक्चर और वर्ड कौन सा कौन सा आ, कौन से वर्ड के साथ ये मैच कर रहा है एक हैंड है यहाँ पे बोतल है उसके हैंड में और वो क्या कर रहा है बोतल को शेक कर रहा है शेक में होता है हिला रहा है हिलाना बोतल को हिला रहा है सेकेंड वाला पिक्चर है ये बच्चा अपनी आंखों को मल रहा है रगड़ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा रब थर्ड वाला पिक्चर क्या दिया गया है एक बच्चा अपने हाथों को धो रहा है वाश फोर्थ वाले पिक्चर में फ्लोर है और एक मोप है एक एक आदमी के हाथ में और वो फ्लोर को वाइप कर रहा है पोछ रहा है फोर्थ वाले पिक्चर में एक बच्ची जूते को पॉलिश कर रही है चमका रही है सबसे लास्ट वाले पिक्चर में कप को क्या किया जा रहा है क्लीन किया जा रहा है तो पहला वाला क्या हो जाएगा शे का बोतल सेकेंड में हो जाएगा रब आइस थर्ड में वॉश हैंड्स हाथों को धोना फोर्थ में हो जाएगा वाइप द फ्लोर फिफ्थ में हो जाएगा पॉलिश सबसे लास्ट वाले में क्या हो जाएगा क्लीन ओपिन्यू पेज नंबर एटीन वॉकअप एनिमल होम्स जानवरों का घर टेक दिस बर्ड्स एंड एनिमल्स टू द करेक्ट प्लेस वन इज़ डन फॉर यू यहाँ कुछ चिड़िया चिड़ियों के नाम दिए गए हैं और जानवरों के नाम दिए गए हैं उसको क्या करना है आपको करेक्ट प्लेस सही जगह पर ले जाना है वन इज़ डन फॉर यू एक आपके लिए किया गया है बनाया गया है पहला क्या फॉक्स 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 कहाँ रहता है उसका घर क्या हो गया डैन गुफा में ये ये पहला है नेस्ट और सेकेंड वाला है डैन बियर बियर में सोता है भालू भालू कहाँ रहता है गुफा में क्रो क्रो में सोता है कौआ कौवा कहाँ रहता है घोसले में डब डब में सोता है फाकता फाकता कहाँ रहता है घोसले में उल्फ उल्फ में सोता है भेड़िया भेड़िया कहाँ रहता है डेन में टाइगर टाइगर में सोता है बाघ ये भी कहां रहता है डैन में पिजन पिजन है कबूतर कबूतर का घर कौन सा हो गया घोसला या पेड़ स्पैरो स्पैरो क्या है एक छोटी सी चिड़िया का नाम है इसका होम क्या हो गया नेस्ट लायन डेन पैरेट नेस्ट बियर डेन क्रो नेस्ट नेस्ट उल्फ डेन टाइगर डेन पीजन नेस्ट स्पैरो ने फ्स डैन लायन डैन पैरेट डैन ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है सो रीड द बुक केयरफुल्ली